हेलो माय सर हेलो माय सर भानुमति कुमारी आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना साथ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज सो लेट्स स्टार्ट थर्मोकपल द थर्मोकपल कैन बी डिफाइंड एज द काइंड ऑफ सेंसर दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ई एम एफ और इलेक्ट्रिक करंट थर्मोकपल जो होता है वो एक सेंसर होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है ई एम एफ और इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर दिस सेंसर कंप्राइजेज टू डिसिमिलर मेटल वायर्स दैट आर कनेक्टेड टूगेदर एट अ जंक्सन ये सेंसर दो विभिन्न प्रकार के वायर को कम्प्राइजेज करते हैं जो एक जक्सन पर जाके मीट करते हैं द टेम्परेचर कैन बी मेजर एट जनसन एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर स्टीमुलेट्स द वोल्टेज टेम्परेचर जो है जेंसन पर मेजर होता है और मेटल के वायर में जो टेम्परेचर मेटल के वायर के टेम्परेचर जो चेंज होता है वो वोल्टेज का निर्माण करता है वर्किंग प्रिंसिपल द थर्मोकम कपल प्रिंसिपल मेनली डिपेंड्स ऑन थ्री इफेक्ट्स नेमली सी बैक इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट्स हॉम्सन इफेक्ट सीबैक इफेक्ट दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑकर्स अमोंग टू डिसिमिलर मेटल वैन ये सीबैक इफेक्ट जो है दो विभिन्न प्रकार के मेटल के बीच में होता है वैन द हीट ऑफर्स टू एनी वन ऑफ द मेटल वायर देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाईज फ्रॉम हॉट मेटल टू कोल्ड वायर कोल्ड मेटल वायर जब हीट किसी भी एक वायर को दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है हॉट मेटल वायर से कोल्ड मेटल वायर की तरफ होता है फिर नेक्स्ट है पेल्टियर इफेक्ट दिस पेल्टियर इफेक्ट इज अपोजिट टू द सी बैक इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट जो होता है सी बैक इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है इट इज स्टेज दैट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैन बी फॉर्म्ड अमॉन्ग एनी टू डिसिमिलर कंडक्टर बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल वेरिएशन अमॉन्ग दैम ये इफेक्ट कहता है कि जब किसी दो टेम्परेचर कंडक्टर के बीच टेम्परेचर चेंज होता है तो पोटेंशियल वेरिएशन उसे पता चलता है फॉम्सन इफेक्ट दिस इफेक्ट दैट एज टूपरेट मेटल फिक्स एट फिक्स टूगेदर एंड इफ दे फॉर्म टू जंक्सन देन द वोल्टेज इंड्यूस द टोटल कंडक्टर लेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन थर्मो कपल कंप्राइज टू डिफरेंट मेटल वायर एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ जंक्सन एंड थमोकपल जो होता है दो डिफरेंट तरह के मेटल से बना होता है और वो एंड पे एक जंक्सन से बने रहते हैं से दो मेटल वायर रहते हैं इस तरह से रहते हैं यहां इनके इनपुट मेटल वायर रहता है और ये आउटपुट जंक्शन रहता है जहां पे टेम्परेचर मेजर होता है और दो जंक्शन का जो एंड होता है वो तीन तरह से क्लासिफाइड होता है अनग्राउंडेड जंक्शन ग्राउंडेड जंक्शन एक्सपोर्ट जंक्शन अनग्राउंड जंक्शन। इन दिस टाइप ऑफ जंक्शन, द कंडक्टर आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटेक्टिंग कवर इसग्राउंडेड जंक्शन में जो होता है कंडक्टर जो होते हैं वो प्रोटेक्टिंग कवर से टोटली सेपरेटेड होते हैं द अप्लीकेशन ऑफ दिस जंक्शन मेनली इंक्लूड्स हाई प्रेशर वर्कर इस जंक्शन का जो वर्क होता है मेनली हाई प्रेशर वर्क करते हैं नेक्स्ट है ग्राउंडेड जंक्सन इन दिस टाइप ऑफ जंक्सन द मेटल वायर एज वेल एज प्रोटेक्टिंग कवर आर कनेक्टेड टुगेदर राउंडर जंक्शन में जो होता है मेटल वायर और प्रोटेक्टिंग कवर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दिस फंक्शन इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अटोमिकफेयर एंड इट सप्लाइज रेसिस्टेंस टू द नॉइज इस जंक्शन का जो यूज़ होता है वो मोस्टली एसिडिक एटमोस्फेयर का टेम्परेचर मापने में होता है और नॉइज को रेसिस्टेंस देने में होता है एक्सपोज जंक्शन इट इज़ एप्लीकेबल इन एरियाज़ वेयर अ क्विक रिस्पॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड एक्सपोज जंक्शन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे एक क्विक रिस्पॉन्ड की ज़रूरत होती है इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैस इसका इस्तेमाल गैस के टेम्परेचर को मेज़र करने में होता है एडवांटेज इसका एक्यूरेसी इज़ हाई थर्मोकपल का जो एक्यूरेसी होता है वो हाई होता है इट कैन बी यूज इन हार्स इन्वायरमेंट ये हार्स से हार्स इन्वायरमेंट में यूज किया जा सकता है द थर्मोकपल रिएक्शन इज़ फास्ट द थर्मल रिएक्शन इज़ फास्ट इसका थर्मल रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज वाइड इसका ऑपरेटिंग रेंज जो होता है वो वाइड होता है कॉस्ट इज़ लो ये सस्ता पड़ता है और आराम से खरीदा जा सकता है डिसडवाटेज नॉन लीनियरिटी ये लीनियर नहीं होता है लीस्ट स्टेबिलिटी ये स्टेबल नहीं होता है लो वोल्टेज लीस्ट सेंसिटिविटी रिकलिब्रेशन इज़ हाई हार्ड इसका रिकलिब्रेशन जो होता है वो हार्ड होता है एप्लीकेशन इट इज़ यूज एज टेम्परेचर सेंसर इन थर्मोस्टेट्स इन ऑफिस होम्स एंड बिजनेस इसका यूज़ ऑफिस होम और बिजनेस जैसे एरिया में थर्मोस्टेट्स में होता है इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ फॉर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड एलमोनियम इसका यूज़ इंडस्ट्री में होता है मेटल जैसे आयरन और एलमोनियम के टेम्परेचर को पता करने में इट इज़ यूज इन फूड इंडस्ट्री फॉर क्रायोजेनिक इसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में होता है फूड को प्रीवेंट करने से ठंडा रखें इट इज़ यूज टू टेस्ट टेम्परेचर इन केमिकल प्लांट्स पेट्रोलियम प्लांट्स ई टी सी इसका यूज़ होता है केमिकल प्लांट पेट्रोलियम प्लांट्स में होता है थैंक यू वेरी मच